Hello everyone, how's life? My name is Mr. Jitendra Dubey and I'm from Delhi. I'm your new history teacher. I'll be teaching you medieval history of India this session. Is everybody ready to start? I think we can start now, so stop talking and be quiet here. I will try to take a single lecture for this medieval history of India or medieval Indian history. Right now, I want to say that I will complete this task. The task is medieval history of India. It is a topic, subject name, and I will try to complete all key facts of medieval history of India in a single lecture. It will sufficient for you. That's why it is my suggestion for you. You should try to concentrate. You should try to pay attention here approximately 1 hour. Length of lecture is approximately 1 hour. Got it? After 1 hour, your key facts of medieval history of India, you will capable to understand, you will capable to feel something that you are going to the better mode. Yeah. तो इंडिया में जो जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं राइट नाउ, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आईएएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, तो जितने भी पीसीएस एग्जामिनेशन हुए हैं, जहाँ भी प्री लेवल पे मेडिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चन जो भी आए हैं लास्ट के 25-30 सालों में, वो सारे के सारे क्वेश्चन को वन लाइनर में कन्वर्ट करके यहाँ पे रख दिया गया है राइट नाउ। यदि आप एक सिर्फ ये एक सिंगल लेक्चर देख लोगे पूरा कंप्लीट कंसंट्रेट होके, तो आपके मेडिकल हिस्ट्री से जो की फैक्ट्स हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो फ्यूचर में रिपीट होंगे, वो आपके कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा सेकेंड प्रॉफिट होगा कि आप एक ट्रेंड पकड़ लोगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। दैट्स वाई इट इज माई सजेशन फॉर यू, यू शुड ट्राई टू वॉच all lecture with full concentration. You should try to pay attention here. Let's begin. Madhyakalin Bharatiya Itihas, history of medieval history, India or medieval Indian history. Bharat par Muslim attack, Akramana. Muslim attack on India. Paigambar Hazrat Muhammad ka janma hua tha 517 AD mein. मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में, मक्का है सऊदी अरब में, जो मिडल ईस्ट, आज का मिडल ईस्ट है मध्य पूर्व, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, राइट नाउ इस प्रकार की कंट्री मुस्लिम कंट्री आती हैं, वहीं पे है मक्का, सऊदी अरब कंट्री है। तो हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने, राइट। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ 711 ईस्वी में, मोहम्मद बिन काशिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन काशिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतगीन। चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था विद्याधर। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था अलबरूनी। अलबरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी में, 11th century। अलबरूनी के संबंध में कि अलबरूनी एक धर्मनिरपेक्ष राइटर नहीं था। अलबरूनी का ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। अलबरूनी संस्कृत का विद्वान था। अलबरूनी त्रिकोणमिति का भी विशेषज्ञ था, एक्सपर्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे महमूद गजनवी ने। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 में भारत को जीता, वो था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया भीम द्वितीय अथवा मूल राज द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध 1194 में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का सेकेंड युद्ध। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का क्रम है महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां एंड तैमूर। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है मोहम्मद गोरी। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, बख्तियार खिलजी के दास था। दिल्ली सल्तनत, मुगल गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा है एक मस्जिद मॉस्क। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, देन इल्तुतमिश, देन फिरोज शाह तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, जो आज पाकिस्तान में है। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई चौगान की कड़ा
के खेल के दौरान अश्व यानी घोड़े से गिरने के पश्चात दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। वह दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया इल्तुतमिश ने। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। गुलाम का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ओके, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था इल्तुतमिश के काल में। मंगोल प्रथम बार सिंध के तट पर देखे गए इल्तुतमिश के शासन काल में। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचीन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। रजिया बेग को सत्ताच्युत करने में हाथ था तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई बलबन था। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और शारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बलबन उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की जिले इलाही की उपाधि। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया बलबन ने। बलबन के संदर्भ में बलबन ने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बलबन ने तुर्कानी चालगानी का प्रभाव समाप्त किया। बलबन ने बंगाल के विद्रोह का दमन किया और नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुखा की उपाधि दी थी। मुगल मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था बलबन ने। खिलजी वंश, नेक्स्ट वंश है दिल्ली सल्तनत में खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो अलाउद्दीन खिलजी शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन जिस सुल्तान के लिए कहा है वह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी था, किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली सल्तनत जिसने सिकंदर शाही को सेनापति सिकंदर शाही को मनोपाधि धारण की थी वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। अंडरस्टैंड, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। वह सुल्तान जिसके काल में खाली भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। इट वॉज रियली नॉट गुड फॉर द सोसाइटी एंड पब्लिक। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान जिसने वह सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी जिसने बाजार सुधार लागू किए थे। मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। हाँ जी, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मध्यकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS प्रारंभ किया था। घरी अथवा गृहकर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा थी सिंधु नदी, आज जो सिंधु रिवर है, जम्मू कश्मीर की तरफ से जाती है। तुगलक वंश, नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक। सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया तुगलक वंश के सुल्तानों ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र गणित तथा आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर कोई एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया वह है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। मूर देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है। वह शासक
मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। वह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। दिल्ली का वह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। दिल्ली का वह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जिसने दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया। फिरोज शाह नवा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में बलबन ने अपने पहले एक अलग आर्य विभाग स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चचेरा भाई बैठा। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। अंडरस्टैंड या सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। फिरोज शाह तुगलक हक एशर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज तुगलक सिकंदर लोदियन सहसा सोरी में से वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। फिरोज तुगलक टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके फिरोज तुगलक था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नासिर उद्दीन महमूद। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया नासिरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ सैयद वंश का। एंड नेक्स्ट है लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का अगला वंश है लोदी। खिलजी तुगलक सैयद तथा लोदी शासकों में से अफगान मूल के थे लोदी शासक। अफगान है जो वही आज का जो अफगानिस्तान है पाकिस्तान के बगल वाला। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का शाही क्रम है बहलोल खान लोदी 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 टू 1517 ईस्वी एंड इब्राहिम लोदी 1517 टू 1526 एंड डोमिनी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था खतौली के युद्ध में। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा नगर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है सिकंदर लोदी। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की सिकंदर लोदी ने। अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है सिकंदर लोदी को। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है गुलाम दिन खिलजी दिन तुगलक दिन सैयद दिन लोदी। यह बलबन अल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक इब्राहिम लोदी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं है इब्राहिम लोदी। इसका मतलब कि गुलाम वंश के हैं कौन कौन से, वो हैं बलबन अल्तुतमिश एंड कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से। आई चलते हैं साउथ इंडिया में, तो यहाँ पे हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। विजयनगर का वह शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना हरिहर सेकेंड था। नरसिंह शालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन कर शालू वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम शालू शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा वह है कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय राजेंद्र चोल हरिहर एंड बुक्का में से हुआ जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता है कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने स्थापना की नागलापुर नगर की। विजयनगर का प्रसिद्ध महाजारा मंदिर निर्मित हुआ कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय सेकंड के राज्यकाल में। निकोलो कोंटी था इटली का एक यात्री जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी की यात्रा की। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायर को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। 1565 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तालिकोटा का युद्ध। तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर एक तरफ और दूसरी तरफ से विजयपुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की सेनाओं के बीच।
ये तीन मुस्लिम राज्य थे, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा एक तरफ और दूसरी तरफ विजयनगर। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट सेकंड। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व, जिसे लैंड रेवेन्यू बोलते हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित सही कथन है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं हम्पी। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा बुक्का प्रथम। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 ताक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं अवस्थित है हम्पी में। यानी कि ये जो प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर है ये वाला टेम्पल ये हम्पी में, हम्पी कर्नाटका में। डेली सल्तनत के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान क्या थे? तुर्क वर्ग के। तुर्क यानी तुर्की, जो तुर्क, तुर्की, टर्की, जो भी बोल लो, आज मुस्लिम कंट्री है मिडल ईस्ट की, यही की बात हो रही है। नेक्स्ट है फिरोज दीवान ए बंदगान के लेखक हैं फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए मुस्तखराज के अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए बंदगान डिपार्टमेंट है, इसको बनाया फिरोज तुगलक ने। मुस्तखराज को अलाउद्दीन ने, कोही को कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक, आर्य जो था बलबन ने बनाया। देखिए मुस्तखराज का मतलब होता है राजस्व विभाग, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। कोही का मतलब होता है कृषि विभाग, जिसको बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। खैरात का मतलब होता है दान विभाग, फिरोज तुगलक ने। और रियासत का मतलब होता है बाजार नियंत्रण विभाग, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अर्ज दीवाने शवी हैं, तो अर्ज दीवाने का मतलब होता है डिपार्टमेंट यानी विभाग, और अर्ज का अर्ज जो है ये सेना विभाग से संबंधित है। रिशालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, और वजारत वित्तीय मामला से संबंधित है। वह राजवंश जिसके अंतर्गत वजारत का चरमोत्कर्ष हुआ तुगलक वंश। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है खराज, उस और मुखतई। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। शर्ब कर लगाया जाता था सिंचाई पर। जवाबित का संबंध था राजस्व राज्य कानून से। हदीस है एक इस्लामी कानून। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं थी जीतल और टंका। टंका नामक चांदी सिल्वर का सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में सिक्के जो टंका था ये तो चांदी यानी सिल्वर का था, और शस्करी एवं जीतल नए थे। तांबा हो गया, चांदी का हो गया टंका, और शस्करी था जीतल एंड तांबा के। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित था अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। दिल्ली सल्तनत में अब कला और स्थापत्य आर्किटेक्चर। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक में से वह जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक थे, अलाउद्दीन खिलजी नहीं था। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था बलबन का मकबरा। स्थापत्य एवं नगरों के निर्माण का सही क्रम है कुतुब मीनार बना, देन तुगलकाबाद, देन लोधी गार्डन, देन फतेहपुर सीकरी की स्थापना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अभिकवि। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ राणा कुंभा के शासनकाल में। स्थल और स्थापत्य कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, अटाला मस्जिद जौनपुर में, जहाज महल मालवा में, और जामा मस्जिद गुलबर्गा में। वास्तुशैली और संबद्ध राज्य। मेहराब की निचली सतह पर कमलकली, ये वास्तुशैली की है। मेहराब की निचली सतह पर कमलकली की झालर या खिलजियों का की वास्तुशैली की विशेषता है। वहीं तुगलकों की वास्तुशैली की विशेषता है अष्टभुजीय मकबरों का उदा। विजयनगर की वास्तुशैली है स्तंभों में बोधिगुई का प्रयोग, और सरकियों की वास्तुशैली है झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। साहित्य लिटरेचर देखते हैं दिल्ली सल्तनत में। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था अलबरूनी ने लिखा किताब उल हिंद। तूती ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता था, इनका जन्म हुआ कासगंज के पटियाली में। स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई खड़ी बोली के विकास में।
दिल्ली के शाह सुल्तानों का शासनकाल देखा था। दो लोगों ने, एक थे अमीर खुसरो, दूसरे थे शेख निजामुद्दीन औलिया। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ थे। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो मलिक मोहम्मद जायसी कबीर अब्दुल रहीम खान खाना में से वह जिन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो को हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नवरश इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया। भारत में कव्वाली के से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तबकात नाशरी का लेखक मिन्हाज सिराज, अरबी फारसी तुर्की एवं उर्दू भाषाओं में से वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया फारसी। अभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। तारीख फिरोज शाही रिटन बाई जियाउद्दीन बरनी, ताजुल माशी रिटन बाई हसन निजामी, तबकात नाशरी रिटन बाई मिन्हाज सिराज एंड तारीख फिरोज तारीख मुबारक शाही रिटन बाई याहिया बिन अहमद, तारीख हिंद रिटन बाई अलबरूनी, तारीख दिल्ली रिटन बाई खुसरो, रहला रिटन बाई इब्न बतूता एंड तबकात नाशरी रिटन बाई मिन्हाज। वीणा ढोलक शारंगी एंड सितार में से वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है सितार को। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो ने। जयचंद्र गढ़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा तथा मान सिंह में से वह राजपूत राजा जो संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है राणा कुंभा। संगीत राज ग्रंथ है, इसके लेखक है राणा कुंभा। रामचंद्रिका के हैं काशीनाथ शास्त्री अपातुभाषी, रागमाला के पुंडरीक विठल और राग कल्पद्रुम के कृष्णानंद व्यास। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। दिल्ली सल्तनत की एंड के एंड में हम विविध मिसलेनियस देखेंगे। भारत में पोलो एक खेल है, इसका प्रचलन किया तुर्कों ने, तुर्की वालों ने। अब नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। बलबन नवरोज से जुड़ा है, दीवान ए रियासत से अलाउद्दीन खिलजी और सर टॉमस रोया था जहांगीर के समय में। यात्रियों के पधारने का शाही क्रम है अलबरूनी, इब्न बतूता, ट्रेवर्नियर एंड मनुची। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। शासकों का शाही क्रम है रजिया सुल्तान, देन अलाउद्दीन खिलजी, देन अकबर। बहादुर शाह गुजरात का था, चांद बीबी जीजापुर में शासन किया, रजिया सुल्तान ने दिल्ली और बाज बहादुर ने मालवा। घटनाओं का क्रम है कुतुब मीनार का निर्माण, फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु, दिन पुर्तगालियों का भारत आगमन, दिन कृष्णदेव राय का शासन। इब्न बतूता के बारे में कहा जा रहा है कि अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्रा जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 माइल्स की दूरी चलकर पार की। पूर्वाधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा हवाई यात्री इब्न बतूता था जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। तो अमुक्त मालियत के लेखक हैं कृष्णदेव राय, मत विलास प्राशन के लेखक हैं महेंद्र वर्मन, शमरांगन सूत्रधार के लेखक हैं भोजदेव और मानसोल्लास के लेखक हैं सोमेश्वर। क्षति प्रथा, बाल विवाह और जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई जौहर प्रथा की। हेमचंद्र सूरी की बात हो रही है आगे कि मालधर बशु, हेमचंद्र सूरी, पार्थसारथी सायण जैसे मध्यकालीन विद्वानों और लेखकों में हुआ जो जैन धर्म का अनुयायी था हेमचंद्र सूरी। आई एम हियर। हाँ जी, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में, खलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में और तराइन का युद्ध हुआ 1191 और 92 ईस्वी में। प्रथम द्वितीय अकबर आईने दशाला, मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा के लिए फेमस, अलतुतमिश चालगानी अमीर और शेर शाह सड़क आजम के लिए जाना जाता है। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे मक्का की। अब हम उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंशों की बात देखेंगे। प्रांतीय राजवंश की फैक्ट, जौनपुर नगर स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया गया। जौनपुर नगर की स्थापना की है फिरोज शाह तुगलक ने। सुल्तान शर्गी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपुर को। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है जैनुल आबदीन मोहम्मद बिन तुगलक हुसैन शासर की अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर का समाप्त किया वो था जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जमा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज, बौद्ध भगड़ाओं में से समान और फारसी शैली।
मुनि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला भट्ट तथा मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था, मुनि जिन विजय सूरी। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र, चंपक जो था ये चंबा हिमाचल प्रदेश में है, दुर्गर ये जम्मू में है और कुलूट कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। ओके, बहमनी राज्य की स्थापना किया अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 एडी, यानी 14वीं सदी में बोल सकते हो। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी गुलबर्ग। बीजापुर के आदिल शाही, गोलकुंडा के कुतुब शाही, अहमदनगर के निजाम शाही और जौनपुर के शर्की शाही। मुस्लिम शासकों में वह जिसे उसकी धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रथा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, इब्राहिम आदिल शाह। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। मालवा का बाज बहादुर, गोलकुंडा का कुतुब शाह, गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह और बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह। गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल, देवगिरी की यादव और मदुरा के पांडे। द्वार समुद्र राजधानी थी होयसल राजवंश की। होयसल स्मारक, होयसलेश्वर मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं हलेबिड और बेलूर में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हलेबिड। वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, गोल गुंबद बीजापुर। स्मारक और शासक, दोहरा गुंबद सिकंदर लोधी, अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबीय मकबरा बलबन और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। गुजरी महल बनवाया था मानसिंह ने। दक्षिण भारत के पोलीगार क्या थे, ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे पोलीगार। भक्ति और सूफी आंदोलन की फैक्ट्स, हिंदुओं में भक्ति और मुस्लिमों में सूफी, तो इन दोनों मूवमेंट को देखेंगे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य शामिल था संसार दुखपूर्ण है, ऐसा बुद्ध और मीराबाई दोनों का कहना था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। सभी व्यक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उन्हें उनके भक्त समझते थे। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत जिस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे वे हैं ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। कामरूप जो असम है कि वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, वहां पर शंकर देव ने असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया शंकर देव ने। रामानुजाचार्य संबंधित हैं विशिष्टाद्वैतवादी, यानी कि रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवादी हैं और शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवादी हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण्य है। शंकराचार्य अद्वैतवादी हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवादी हैं। माधवाचार्य जो है द्वैतवादी हैं और निम्बारकाचार्य द्वैताद्वैतवादी हैं। बीजक कबीर के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्ट मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया। देखिए, दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था रामानंद ने। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मध्यकालीन भारत के कुंभनदास, रामानंद, रैदास और तुलसीदास में से वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था जिसे आप अलावाद बोलते हो, रामानंद। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल। मलुकदास एक संत कवि थे कड़ाके। संत घासीदास के पिताजी का नाम महंगू था। सही कालानुक्रम पहले रामानुज, सॉरी शंकराचार्य, देन रामानुज, देन चैतन्य। देखिए, भक्ति संतों संत हैं ये। कबीर का जन्म 1398 में, मृत्यु 1518 में। गुरु नानक का जन्म 1469, मृत्यु 1539। चैतन्य का जन्म 1486, मृत्यु 1534 और मीराबाई का जन्म 1498 एंड डेथ 1557। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित हैं 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। अमृतसर, नाभा, ननकाना, नांदेड़ में से वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थान है ननकाना। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, सिकंदर लोधी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ऐसा कहना था नानक का।
मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के, प्रसिद्ध भक्त कविता कवयित्री मीरा के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई। दिए गए संतों का सही कालानुक्रम है नामदेव, दिन कबीर, दिन नानक, दिन मीराबाई, चैतन्य, मीराबाई, नामदेव एंड वल्लभाचार्य। में से वह जो इस्लाम से प्रभावित हुआ नामदेव, वह जो उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ था गुरु नानक। नामदेव जो थे ये दर्जी थे, दर्जी यानी टेलर। कबीर जो थे ये जुलाहा थे, अंडरस्टैंड। और रविदास जो थे ये मोची थे। और सेना जो थे ये नाई यानी कि हेयर ड्रेसर यानी बार्बर जिसे बोलते हो, सेना थे। चैतन्य महाप्रभु संबद्ध हैं वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास समकालीन थे अकबर एवं जहांगीर के। रामचरितमानस ग्रंथ नामक ग्रंथ के रचयिता हैं तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका साहित्य रत्न में से वह रचना जो तुलसीदास की नहीं है वह साहित्य रचन साहित्य रत्न, जबकि गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका तीन के तीनों को लेखक हैं तुलसीदास। वारकरी संप्रदाय के संत हैं नामदेव। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह हैं जहांगीर। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रतीक का प्रस्तावक नहीं था नागार्जुन। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ओके, नेक्स्ट। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख खुतबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया तथा शेख सलीम चिश्ती, सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन अबुल जीवा, ख्वाजा अबुल अब्दाल एवं ख्वाजा बहाउद्दीन में से वह जो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार थे राजा शाहू शिवाजी के पुत्र। शेख नियामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख नियामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्मसंघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है शेख अब्दुल जिलानी, जबकि चिश्ती सिलसिले से संबद्ध हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया। भारत का शादी कहा गया है हमीर हसन को। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिसने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया अलाउद्दीन खिलजी। वह सूफी संत जो महबूब इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के सात सुल्तानों का शासन देखा था निजामुद्दीन। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज ए सकर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया फरीदुद्दीन गंज ए सकर। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है शेख सलीम चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्तिया सिलसिला। शेख अहमद शरहिंदी, नक्शबंदिया सिलसिला। दारा शिकोह कादिरिया और शेख सहाबुद्दीन सोहरावर्दिया। भारतीय इतिहास में सूफीवाद। शेख अहमद सरहिंदी अकबर एवं जहांगीर का समकालीन था। शेख नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती एंड रसखान में से वह जो सूफी थे निजामुद्दीन औलिया एंड मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्तिया, सोहरावर्दिया, कादरिया एंड नक्शबंदिया सूफी वाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदिया। शाह मोहम्मद गौश, शाह अब्दुल अजीज, शाह वली उल्लाह तथा ख्वाजा मीर दर्द सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना वो थे शाह मोहम्मद गौश। उलेमा, खानकाह, शेख एंड समा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं था उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं था जबकि खानकाह, शेख और समा का था।
कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका का भी रचना किया रश खान ने। वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक, आमिर खुसरो में सेवा जो भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था, आमिर खुसरो, आमिर खुसरो भक्ति आंदोलन से जुड़े नहीं थे, जबकि शेष वल्लभाचार्य, चैतन्य और गुरु नानक वगैरह जो हैं ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। बारहमासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान है बेथलेहम। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं, असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। नेक्स्ट मुगल वंश, सेकेंड एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मुगल वंश बाबर को देखते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क, तुर्की टर्की जो है आज। बाबर को शर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था शैबानी खान ने। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैनिक कुशलता। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध मेशेवा युद्ध, जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोप खाना। Then I want to say that it is a single lecture for the medieval history of India. If you will spend approximately 1 hour time, then you will cover up all medieval history of India's key fact. It will be very helpful for you for your examination purpose. बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 27, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1528। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरी यानी तिमूरीद राजवंश स्थापित हुआ। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध में से वह जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की, खानवा का युद्ध 1527। मेवाड़ का राजा जिसे 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया राणा शांगा है। भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र यानी अफगानिस्तान वाला एरिया, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य एवं संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया वह है मेवाड़ एवं विजयनगर। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा है, तुर्की के बाबरी लिखा गया तुर्की भाषा में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया मीर बाकी ने। हुमायूं और शेरशाह, कामरान अस्करी और हिंदाल। कामरान अस्करी हिंदाल हुमायूं के भाई थे। हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम है दौराहा, चौसा दिन कन्नौज, दिन सरहिंद। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर में, जो यूपी का जिला है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी। मध्ययुगीन शासकों में वह जो उच्च शिक्षित वेल एजुकेटेड हाईली एजुकेटेड था शेरशाह। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी एंड इस्लाम शाह सूरी में वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत वह शासक जिसके द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया हुमायूं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। चांदी का सिक्का शुरू किया शेरशाह ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर थी 64:1। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर में। शेरशाह सूरी का कहना था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ऐसा शेरशाह सूरी का कहना था। शेरशाह का मकबरा है शासाराम जो कि बिहार में है। शेरशाह के निर्माण करवाया था दिल्ली की किला कोहना मस्जिद को। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की वो था शेरशाह सूरी। द नेक्स्ट इज अकबर मुगल काल से। काबुल, लाहौर, सरहिंद एंड कलानौर में से वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया कालानौर। हल्दीघाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना।
हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 एडी में। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों से। चिश्ती संत की दरगाह जहाँ पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था मोइनुद्दीन चिश्ती। आदम खां, बैरम खां, बाज बहादुर था पीर मोहम्मद खां में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था आदम खां। राजपुताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी मेवाड़। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया मारवाड़ के राव चंद्रसेन थे। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी मंडला अथवा गोंडवाना की। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य है प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न एवं उसकी धार्मिक नीति। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया वह अकबर था। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब बादशाहों में से वह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया है अकबर को। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था स्थापित की मनसबदारी आधारित है। अकबर द्वारा दीवान का पुनरुपयन दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खान तुर्बती। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था, क्योंकि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी भू राजस्व के क्षेत्र में लैंड रेवेन्यू, जबती दहशाला, नशक एंड कनकुट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। दहशाला को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। टोडरमल संबंधित थे मालगुजारी सुधारों से। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य बीरबल, टोडरमल, भगवान दास तथा भारमल में से वह जो निरंतरता की कड़ी थी कंटिन्यूटी का वो था टोडरमल। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आई ए दहशाला पद्धति निर्मित की गई थी टोडरमल के द्वारा। अकबर ने दीन इलाही आरंभ किया 1582 में। दीन इलाही का प्रचार किया था अकबर ने। वह इतिहासकार जिसने दीन इलाही को एक धर्म कहा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने इबादत खाने का निर्माण करवाया अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल तथा अकबरी महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है अकबरी महल नहीं है। इट मीन्स फतेहपुर सीकरी में स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल ये तीन के तीनों महल फतेहपुर सीकरी में हैं जबकि अकबरी महल नहीं है। दिल्ली में स्थित एक वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है हुमायूं एंड कमकबरा। 16 एकुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अकबर द्वारा अपनाई गई 16 एकुल सार्वभौमिक शांति एवं भाईचारा की अवधारणा आधारित थी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था अकबर। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार तथा ताजमहल में से वह इमारत जिसका निर्माण अकबर ने करवाया बुलंद दरवाजा का। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए अकबर ने। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, अलाहाबाद का किला एंड लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं करवाया गया दिल्ली का किला। इसका मतलब दिल्ली के किले को छोड़ दिया जाए तो आगरा का किला, अलाहाबाद का किला एंड लाहौर का किला इसका निर्माण किया गया था अकबर के समय में। बाबर 1526 से 30 तक शासन किया। काबुल में इसको दफनाया गया अफगानिस्तान। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया और इसको सिकंदरा में दफनाया गया। जहांगीर 1605 से 27 तक शासन किया और इसको लाहौर में दफनाया गया पाकिस्तान।
और शाहजहां का शासनकाल 1627 से 58 तक था और शाहजहां को आगरा में दफनाया गया, उत्तर प्रदेश। ओके आम हियर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक मेशी, वह जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है राजमनामा। वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद मुकम्मल खां, अब्दुलशमद, मीर सैयद अली में से वह जिसे सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई मोहम्मद हुसैन को। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसने जिसे जगतगुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया हरिविजय सूरी थे। अबुल हसन, दशवंत, किशनदास, उस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था रॉल्फ फिंच। अकबर के शासनकाल घटनाओं का व्यवस्थित क्रम है, जजिया की समाप्ति, देन इबादत खाने का निर्माण, देन महजर पर हस्ताक्षर, देन दीन ए इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। जहांगीर शलीम, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदार आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदारों के तीन वर्ग थे। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी वह है जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था हॉकिंस को, हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे 1615 ईस्वी में। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर राजस्थान में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू गया आया वो था थॉमस रो, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वो था फ्रांसिस्को पेलसार्ट। वह मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है जहांगीर तथा बाबर का। जहांगीर बाबर का काबुल में अफगानिस्तान और जहांगीर का लाहौर पाकिस्तान में। सम्राट जहांगीर को दफन किया गया लाहौर पाकिस्तान में। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची जहांगीर के राज्यकाल में। जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। वह चित्रकार जिसे नादिर उल अशर की उपाधि दी गई प्रदान की गई मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। बाबर, अकबर, जहांगीर तथा औरंगजेब मुगल बादशाहों में वह जिसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी जहांगीर था। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया जहांगीर ने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, बहावत खां एंड खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह है जहांगीर बिन सलीम। जहांगीर गियास बेग आशफ खां खुर्रम में से वह जो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था खुर्रम। नूरजहां के गुट के सदस्य थे जहांगीर, गियास बेग एंड आसफ खान। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। निर्माता और स्मारक संभल की जमा मस्जिद को बाबर ने बनवाया। दीन पनाह को हुमायूं ने, जहांगीरी महल को अकबर ने और अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया जहांगीर ने। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है दतिया में। अकबर का मकबरा है शिकंदरा उत्तर प्रदेश। जहांगीर का मकबरा है शाहदरा में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है दिल्ली। ओके शाहजहां, नेक्स्ट शाहजहां। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार जो अफगानिस्तान में है आज। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। क्यों? क्योंकि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से स्ट्रेटजिक स्ट्रेट होल्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड इनकी वजह से शाहजहां के बल्क अभियान का उल्लेख था काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना।
कविंद्राचार्य ने बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। कविंद्राचार्य कलीम, काशी, कुदसी तथा मुनीर में से वह जो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताज महल में। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया शाहजहां था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब में से वह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की शाहजहां। स्मारक और उसको बनवाने वाले निर्माता, अलाई दरवाजा को बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में है बनवाया अकबर ने। मोती मस्जिद जो आगरा में है शाहजहां ने बनवाया, और मोती मस्जिद जो दिल्ली है उसको औरंगजेब ने बनवाया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ वह है शाहजहां। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिर रहे अकबर के शीर्षक के अंतर्गत। अमीर खुसरो दारा शिकोह अमीर हशम एवं सूजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। वीरस्मिथ जे एन संकार तथा श्री एल श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है एल श्रीवास्तव ने। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया शाहजहां ने। दारा शिकोह मुराद बख्श, शाह सुजा तथा औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था औरंगजेब। औरंगजेब वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एन मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। औरंगजेब या मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब में से वह मुगल बादशाह जिसके जिसका दो बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब। धर्मत का युद्ध लड़ा गया औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। ये धर्मत मध्य प्रदेश में है। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया सुलेमान सिंह को। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी अकबर था। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए जय सिंह। वह मुगल बादशाह जिसको जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया हुआ थे बीजापुर एंड गोलकुंडा। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वो थे औरंगजेब। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया औरंगजेब था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहादकार थे दारुल इस्लामी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू कोच। आई एम ट्राइंग टू कवर अप ऑल पार्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। अरे ओके, बीबी का मकबरा का निर्माता था औरंगजेब। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता था रबिया उद्दौरानी का मकबरा। जहां आरा रोशन आरा गौहन गौहर आरा था मेहरुन्निसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी मेहरुन्निसा थी। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की जहां आरा को। संत रामदास को सम्बन्धित किया जाता है औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल से मुगलकालीन प्रशासन। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था सरकार। सरकार का मतलब था जिले को बोलते थे। मुगल काल में सेना का प्रधान था मीर बख्शी। मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। बर्नियर, करेरी, मनुची एंड टैवर्नियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था मनुची। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, इसमें 33 वर्ग थे जिन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मानसब प्रदान किए जाते थे। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत था भू राजस्व लैंड रेवेन्यू। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है लैंड रेवेन्यू भू राजस्व को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू टोबैको के प्रयोग पर निषेध लगाया वो था जहांगीर। मुगल प्रशासन में मदद माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। अंडरस्टैंड? यस।
सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, क्यों? क्योंकि मुगल प्रशासन के अधीन उच्च अधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। भोज, सिद्धराज जयसिंह, जैन उल आबिदीन तथा अकबर में से वह जिसने रामसिया, राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर थे। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो तांबा का बना होता था कॉपर। मुगल काल में बटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका। मुगलकालीन संगीत चित्रकला, मुगल चित्रकला के विषय में है कि युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण होता था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा तथा कालीघाट में से वह कलम जिस पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं था कालीघाट पे, जबकि राजस्थानी पहाड़ी और कांगड़ा पे था, राइट ना। दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया अब्दुल शमद के द्वारा। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन। मुगल चित्रकला ने उन्नति की जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल एंड कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। चित्रकला की शैलियाँ हैं ये सब, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल एंड कांगड़ा स्कूल। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वो है चित्रकला। वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, वीणा। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरदास के से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरदास के अनुयायियों ने स्थापित किए थे टोटल 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन एंड हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है आगरा में। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। हुमायूं जहांगीर अकबर तथा शाहजहां में से वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू धर्म, हिंदू गीत संगीत की शिक्षा ली अकबर था। मुगलकालीन साहित्य। गुलबदन बेगम पुत्र थी बाबर की। वह महिला जिसने मुगल सेना में मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे गुलबदन बेगम ही थी। हुमायूं नामे की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था स्थापित किया गया था माहम अनगा द्वारा। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया ताजुल माली ने। हसन निजामी, ताजुल माशीर, ख्वानमीर, हुमायूंनामा, हुमायूंनामा के लेखक है ख्वानमीर, ताजुल माशीर, हसन निजामी, आलमगीरनामा के मोहम्मद काजीन और नुस्खाए दिलकुशा के भीमसेन। आलमगीरनामा रिटन बाय मिर्जा मोहम्मद काजीन। तबकाते अकबरी रिटन बाय निजामुद्दीन अहमद। चहार चमन रिटन बाय चंद्रभान ब्रह्मन एंड इकबाल नामा जहांगीरी रिटन बाय मुहतमद खान। ओके, अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना एंड अब्दुल कादिर बदायूनी में शिवह जिसका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अब्दुल रहीम खान खाना। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार। शाहनामा के लेखक हैं इनायत खान। तुजुके बाबरी रिटन बाय बाबर। हुमायूं नामा रिटन बाय गुलबदन बेगम। तारीख शेर शाही रिटन बाई अब्बास खां सरवानी और तबकाते अकबरी रिटन बाई निजामुद्दीन अहमद। अनवार शुहैली नामक ग्रंथ अनुवाद है पंचतंत्र का। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी फारसी। नस्तादिक एक प्रकार की फारसी लिपि स्क्रिप्ट है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय वह राजा जिसने नागरदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे राजा श्यामन सिंह। महत्वपूर्ण कृतियां हैं रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किया था केशव, यानी रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया रिटन बाय केशव। अब मुगल काल में विविध मिसलेनियस देख रहे हैं। आई एम एंड लास्ट स्टेज है। विलियम हॉकिंस जो था ये जहांगीर के समय में आया। विलियम फिंच भी अकबर के समय में। टेवर्नियर आया था शाहजहां के समय और मनुची आया औरंगजेब के समय। की फैक्ट्स ये है कि हॉकिंस आया कब 1608 से 11 के बीच, इसका मतलब इस समय था जहांगीर। सेकेंड, थॉमस रो आया 1615 से 19, इसका मतलब इस समय भी कौन था, जहांगीर था। मनुची आया 1653 से 1708, यानी इस समय जो था वो औरंगजेब था शासक।
रॉल्फ फिच आया 1585-86 में, इसका मतलब इस समय अकबर थे। मुस्लिम आक्रमणों का सही कालानुक्रम है, मुस्लिम शासकों का सही क्रम है जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली एंड बहादुर शाह सेकंड। फिर चार बाहरी आक्रमणों का क्रम है, पहले चंगेज खान का अटैक होता है, देन तैमूर, देन नादिर शाह, देन अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। नादिर शाह का दिल्ली में कत्लेआम होता है 1739 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का की दूसरी लड़ाई हुई 1526 में, सॉरी 56 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी एंड लास्ट लड़ाई हुई थी 1761 में। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं हेमू नाम से। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 एंड फर्स्ट 1191। औरंगजेब की मृत्यु 1707। पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ 1761। अकबर की मृत्यु 1605। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ अकबर एवं राणा प्रताप के विरुद्ध। मिलग्राम का युद्ध हुआ हुमायूं शेरशाह सूरी के विरुद्ध। खुसरो का विद्रोह हुआ जहांगीर के समय, और खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध। 1556 में अकबर का राज्यारोहण। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1680 में शिवाजी का देहांत और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। हल्दीघाटी का युद्ध 1576। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। आसीरगढ़ का युद्ध 1601। इकता दिल्ली के सुल्तानों से जुड़ा है, जागीर मुगलों से, अमरम विजयनगर से और मोकाशा मराठों से। बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था सूरत को, जो गुजरात में है। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था लखनऊ में। कालानुक्रम व्यवस्थित है, पद्मिनी, देन दुर्गावती, देन ताराबाई, देन अहिल्याबाई। बाबर जामी मस्जिद संभल में, दीन पना हुमायूं, जहांगीरी महल अकबर और एतमादुद्दौला का मकबरा जहांगीर। कुतुब मीनार इल्तुतमिश, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाजा अकबर और मोती मस्जिद औरंगजेब। मुगल काल के युद्धों का सही क्रम है, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सामुगढ़ का युद्ध। स्मारक और निर्माता, अलाई दरवाजा दिल्ली में जो है उसको बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में है अकबर ने बनवाया। मोती मस्जिद जो आगरा में है शाहजहां ने, और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसको औरंगजेब ने बनवाया। मुगल कला में मौलिम, ये मौलिम क्या है, मौलिम थे व्यापारिक जहाजों पर बैठने वाले एक कर्मचारी, एम्प्लाई थे मौलिम। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः व्यापारी थे, यानी कि बिजनेसमैन थे बंजारे। सिख संप्रदाय, हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है सिख संप्रदाय, क्योंकि इसके फाउंडर जो हैं गुरु नानक देव वो हिंदू थे। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था गुरु अंगद को। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने, वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था रामदास थे। गुरु अर्जुन देव की विशेषता थी, आदि ग्रंथ से जुड़े हुए हैं। कर्पूर सिंह ने दल खालसा से और गुरु अमरदास मानजी से। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ तथा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। वह सिख गुरु जिसको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया, ये थे गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। वह सिख गुरु जिनकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है गुरु तेग बहादुर की, हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड में से वह स्थल है हेमकुंड, जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है हेमकुंड में। जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ, जो कैपिटल है बिहार की, वो है गोविंद सिंह। वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का संगठन किया। खालसा पंथ प्रारंभ हुआ 300 वर्ष पहले। वह सिख गुरु जिसने खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक थे दिलीप सिंह। मराठा, महाराष्ट्र में चलते हैं। मराठा राज्य और संघ, मराठों के उत्कर्ष का कारण था धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति एवं उच्च नेतृत्व शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को हराया शलहार के युद्ध में। शिवाजी का जन्म हुआ 1627 ईस्वी में।
वह सेनाना है जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था अफजल खान। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह है आगरा। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राजाभिषेक हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। अष्ट प्रधान नाम की मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था अश्वमंत। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद जिसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी वह है शिवाजी। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से परामर्श लेते थे। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं का क्रम है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, देन बालाजी, बाजीराव, देन माधवराव। कालानुक्रम है संभाजी, देन राजाराम, देन शिवाजी सेकंड, देन छत्रपति शाहूजी। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। क्यों? क्योंकि शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व हाथों में था ताराबाई के। अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई, रुक्मिणीबाई मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह थी ताराबाई। सरंजामी प्रथा संबंधित है मराठा भू राजस्व प्रथा से। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा वह थे काशीराज पंडित। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया January 14, 1761 को मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। गुलाम कादिर रोहेला, नजीब खान, अली मोहम्मद खान तथा हाफिज रहमत खान में से वह रोहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। मोदी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों के विलेखों में। मुगल साम्राज्य का विघटन। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल में के समय से पूर्व अंत का कारण था एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। अकबर जहांगीर बहादुर शाह तथा फर्रुख शेर में से वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की फर्रुख शेर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था मोहम्मद शाह 1719-1748। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया वो था शाह आलम सेकंड। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। उसके पिता का नाम था अकबर सेकंड। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खान। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिंकिलिज खान। वह जिसने दिल्ली को खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी जय सिंह द्वितीय ने। महाराजा जय सिंह सेकंड वेधशालाएं बनवाई थी दिल्ली, जयपुर राजस्थान, उज्जैन मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक थे जयपुर के सवाई जय सिंह। I have successfully completed medieval history of India in a single lecture. Right now, if you want to watch ancient history of India, medieval history of India, modern history of India, all lectures and more subjects. For example, physics, chemistry, biology, history, science, polity, economy. It means all subjects that is relevant for the examination. Then key facts of all subjects are available on study channel. First of all, you should go on study channel and thereafter watch name of playlist and you should watch videos according to your need and comfortability. Right now, it will be very helpful for you. That's it. Okay. Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share my study channel. Right now, study channel and videos. Thank you so much in advance for this. Thanks a lot.